खंड बेलारी में कार्यालय एवं सभागार का जीर्णोद्धार का कार्य क्षेत्र पंचायत निधि से कराया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी महोदय के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर विकास खंड के जीर्णोद्धार के कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी की सराहना की। इसके उपरांत स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा की गई, जिसमें धीमी प्रगति वाले 15 ग्राम प्रधानों एवं उनसे संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों निर्देश दिए गए तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शौचालय दिनांक 25/11/2018 तक पूर्ण करें। अनुपस्थित ग्राम प्रधानों को तथा उनके सचिव को दिनांक 19/11/2018 को प्रातः 10 बजे कार्यालय कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आयुष्मान योजना की समीक्षा करते हुए योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के विवाह कराएं, इसके लिए सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों को निर्देशित किया गया। अंत में खंड विकास अधिकारी बेलारी द्वारा जिला अधिकारी महोदय का एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत बेलारी श्री अनोखे लाल यादव, उप जिला अधिकारी बेलारी कुंवर पंकज तथा खंड विकास अधिकारी बेलारी श्री नरेश कुमार चौहान उपस्थित रहे। जनपद मुरादाबाद तहसील बेलारी के ब्लॉक बेलारी का जिला अधिकारी राकेश कुमार ने फीता काटकर निरीक्षण किया। बेलारी ब्लॉक के एडीओ व वीडीओ व सीडीओ और ग्राम प्रधानों ने स्वच्छता में एक नई पहल की है, जो ब्लॉक हो या ऑफिस हो या गांव, उसको लेकर साफ सफाई की है। ब्लॉक बेलारी में स्वच्छता को लेकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ करना, जिसको लेकर आज बेलारी ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी एक बैठक करेंगे और कुछ ग्राम प्रधानों ने एक नई पहल की है, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों के गांव कंप्लीट हो चुके हैं, उनके फोटो अपलोड कर भेज दिए जाएंगे। और अभी कुछ गांव में शौचालय कार्य चल रहा है, जिसमें कि ODF घोषित करने के बाद ग्राम प्रधानों को 90 दिन का टाइम मिलता है। जिला अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आज मुरादाबाद के बेलारी ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों ने एक नई पहल की है और कुछ ग्राम प्रधानों के शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी फोटो अपलोड कर भेज दिए जाएगी। और कुछ ग्राम प्रधानों के शौचालय कार्य चल रहे हैं, जो कि जिले के ODF घोषित करने के बाद 90 दिन का टाइम मिलता है। कुछ ग्राम प्रधानों की शिकायतें की गई हैं, उनकी जांच सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। है सारा कार्य पूरा करने के लिए। सर, एक मुरिया राजा गांव है, उसमें बराबर जांच की शिकायतें हो रही है सर, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। उसमें देखिए, हम लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले तो जितने भी वहाँ पे पात्र व्यक्तियों के शौचालय हैं, वो पहले हमारा उद्देश्य है कि पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए। सर, उसमें शिकायत जो है जाँच कर लो, CDO साहब भी पहुंचे। हाँ ठीक है, CDO साहब गाड़ी में से नहीं उतरे। CDO ने नहीं, CDO ने अपनी रिपोर्ट दी है, ऐसा नहीं है गाड़ी में से। हम लोग साथ रहे थे सर, वो उधर से उधर ही गए। उसमें जो है वो जांच कंप्लीट हुई है और जांच कंप्लीट जो हुई है उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। फिर भी हम मौका दे रहे हैं कि वहाँ पे जो भी शौचालय पात्र व्यक्तियों के हैं वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे बेलारी ब्लॉक में और खासतौर खंड विकास अधिकारी जी हैं और इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान और सारे लोगों के सहयोग से इन्होंने पहले स्वच्छता के क्षेत्र में एक अच्छी पहल की है। लगभग ऑलमोस्ट जो ब्लॉक का, चाहे वो सभा कक्ष हो चाहे कार्यालय कक्ष हो, इसको काफ़ी अच्छा करा दिया है और बहुत ही साफ सुथरा कर दिया है। तो हमारा जो स्वच्छता के लिए हम लोगों के जो एक जन आंदोलन हम लोग चला रहे हैं काफ़ी समय से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार, तो एक अच्छी पहल हुई है यहाँ पे और बहुत बढ़िया जो है ब्लॉक के सभा कक्ष और रूम्स वगैरह का रिनोवेशन हुआ है। एक अच्छा काम किया है आप लोगों ने, कम से कम एक साफ सुथरे माहौल में आपस में बैठ करके ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, माननीय प्रमुख जी और हमारे खंड विकास अधिकारी लोग बात करेंगे।